गुड मॉर्निंग माई ऑल डियर एंड लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। माई सेल्फ नेहा तिवारी एंड टूडे आई विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 4 ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड इन दिस लेक्चर्स आई विल डिटेल एक्सप्लेन ऑफ ऑल ऑफ यू व्हाट इज द मीन ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। ओके स्टूडेंट, तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोगों का पॉइंट ये है कि रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है एंड रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है एंड मैकेनिज्म क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों का कुछ बेसिक पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग रिफ्लेक्स आर्क के मैकेनिज्म को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया स्टूडेंट कि जो नर्व होता है, ये नर्व होता क्या है, इस पॉइंट पे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इज द नर्व। इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल पार्ट दैट इज कॉल्ड नर्व। बट अब ये ध्यान देना है स्टूडेंट कि जो नर्व होता है, नर्व को मेनली दो बेस पे डिवाइड किया गया है, दो बेस पे। एक तो होता है, एक जो बेस होता है वो होता है बेसिस ऑन द लोकेशन एंड पोजिशन इन ह्यूमन बॉडी। यहां हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं HB का मतलब क्या है, ह्यूमन बॉडी। ओके, एक इस बेस पे डिवाइड किया गया है नर्व को, बेसिस ऑन द लोकेशन एंड पोजिशन इन ह्यूमन बॉडी। एंड दूसरा है फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ओके ना, दूसरा जो फंक्शन के बेस पे नर्व को डिवाइड किया गया है स्टूडेंट। ओके, जो नर्व होता है, आपको हमने क्या बताया था स्टूडेंट, आप हमारे साथ फिर से बैक क्वेश्चन रिवाइज करिए थोड़ा, कि कोई भी जो न्यूरॉन सेल होती है उसका बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डेंड्राइट पार्ट होता है, सेल बॉडी पार्ट होता है एंड एक्सटर्नल पार्ट होता है। ये क्या है, ये उसका डेंड्राइट पार्ट है, ये उसका एक्सटर्नल पार्ट है, ये उसका नर्व एंडिंग पार्ट है। ओके, यही आपको बताया गया ना पहले के लेक्चर्स में कि जो आपका न्यूरॉन सेल है उसका बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। ये डेंड्राइट पार्ट है, डेंड्राइट, ये क्या है स्टूडेंट, डेंड्राइट पार्ट है, ये सेल बॉडी पार्ट है, ये आपका एक्सटर्नल पार्ट है, ये नर्व एंडिंग पार्ट है, नर्व एंडिंग पार्ट है। इस पॉइंट को आई थिंक हम लोगों ने कई बार रिवाइज किया, तो ये आप लोगों के फिंगर टिप पे हो गया होगा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन सेल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं कि जो डेंड्राइट है, सेल बॉडी पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट है, नर्व एंडिंग पार्ट है। अब यहाँ पे इसका मोस्ट की पॉइंट ये आपको नोटिस करना है स्टूडेंट, इफ द ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल पार्ट आर प्रेजेंट इन PNS। क्या कहा हमने कि जो नर्वस सिस्टम होता है, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड है, एक होता है CNS, एक होता है PNS। ओके, हमने क्या बात किया स्टूडेंट कि अगर ये ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल पार्ट, ये आपका सेल बॉडी पार्ट है, डेंड्राइट एंड ये साइटोन आपका सेल बॉडी पार्ट है, ये आपका एक्सटर्नल पार्ट है, अगर ये एक्सटर्नल पार्ट की ग्रुपिंग स्टूडेंट प्रेजेंट है किसमें, यहां पे लिखेंगे प्रेजेंट इन पीएनएस, दैट मींस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट नर्व। क्या कहेंगे, नर्व कहेंगे। ओके, नर्व क्या है, इट इज ए एक्सटर्नल पार्ट, इट इज अ ग्रुप ऑफ द एक्सटर्नल पार्ट दैट प्रेजेंट इन अ PNS, दैट इज कॉल्ड नर्व। ओके, बट इफ द ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल पार्ट आर प्रेजेंट इन CNS, दैट मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज अ कॉल्ड ट्रैक्ट। उसे क्या कहेंगे उस कंडीशन में स्टूडेंट, ट्रैक्ट कहेंगे। यही अगर आपका एक्सटर्नल पार्ट, चलो यहाँ पे हम लोग फिर से बना लेते हैं, ये एक न्यूरॉन सेल है, ये उसका डेंड्राइट है,
ये उसका एब्जॉर्नल पार्ट है, ये उसका नर्व एंडिंग पार्ट है, फिर ये आपने ग्रुपिंग, अब ग्रुप में बनाना है ना, आपकी पूरी बॉडी में सिंगल न्यूरॉन सेल तो प्रेजेंट नहीं है, बहुत सारे न्यूरॉन सेल प्रेजेंट है, न्यूरॉन सेल की ग्रुपिंग है बहुत सारी, क्योंकि न्यूरॉन सेल से ही पूरा आपका स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड पेनिस पार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो अगर ये ग्रुप ऑफ एब्जॉर्नल पार्ट आपका स्टूडेंट, ये ग्रुप ऑफ एब्जॉर्नल पार्ट अगर प्रेजेंट है किसमें, सीएनएस में, सीएनएस में प्रेजेंट है, इफ द ग्रुप ऑफ एब्जॉर्नल पार्ट आर प्रेजेंट इन सीएनएस दैट इज कॉल्ड ट्रैक्ट, तो उसे हम लोग कहेंगे ट्रैक्ट, क्या कहेंगे ट्रैक्ट, टी आर ए सी टी, तो उसे हम लोग ट्रैक्ट कहेंगे स्टूडेंट, नॉट ए कॉल दैट इज नर्व, तब उसे हम लोग नर्व नहीं कहेंगे, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे ट्रैक्ट कहेंगे, ओके। अब क्या बच रहा है, अपसेल बॉडी पार्ट बच रहा है, अगर ये सेल बॉडी पार्ट आपका सीएनएस में प्रेजेंट है, ये आपका सेल बॉडी पार्ट है पूरा, जिसमें डेंड्राइट एंड सेल बॉडी होता है, साइटोन होता है, कैरियन होता है, अगर ये प्रेजेंट है स्टूडेंट आपके पीएनएस में, यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेल बॉडी पार्ट अगर कहाँ प्रेजेंट है, पीएनएस में तो ध्यान देंगे दैट इज कॉल्ड गैंग्लियन, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे गैंग्लियन कहेंगे, यहाँ पे लिख दे गैंग्लियन, GANGLION, व्हाट इज द गैंग्लियन, द ग्रुप ऑफ सेल बॉडी पार्ट आर प्रेजेंट इन पीएनएस दैट इज कॉल्ड गैंग्लियन, ओके। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं गैंग्लियन, क्योंकि अब आपको पता है कि जहां पे नर्व का मतलब क्या है, एब्जॉर्नल पार्ट है, एब्जॉर्नल पार्ट है, इसमें नर्व एंडिंग एंड एब्जॉर्नल पार्ट आएगा आपका, तो जहां पे अब ये तो है नहीं ना डायरेक्टली एब्जॉर्नल पार्ट होगा उसका सेल बॉडी पार्ट कट हो जाएगा, सेल बॉडी पार्ट अपसेट रहेगा, नहीं सेल बॉडी पार्ट प्रेजेंट रहे, क्यों, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल सेल बॉडी पार्ट का ही होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि सेल बॉडी पार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट, एंड डेंड्राइट ही सबसे पहला फंक्शन करता है किसी भी स्टिमुलस को कैप्चरिंग करने में, किसी भी सिग्नल को रिसीव करने में, ठीक है ना। तो सिग्नल को रिसीव करने में आपका कौन हेल्प करेगा, डेंड्राइट हेल्प करेगा, तो सेल बॉडी पार्ट भी प्रेजेंट होता है पीएनएस में, एंड एब्जॉर्नल पार्ट की ग्रुपिंग भी प्रेजेंट होती है पीएनएस में। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, इफ द ग्रुप ऑफ एब्जॉर्नल पार्ट आर प्रेजेंट इन पीएनएस दैट इज कॉल्ड नर्व, इफ द सेल बॉडी पार्ट, इफ द ग्रुपिंग ऑफ द सेल बॉडी पार्ट आर प्रेजेंट इन पीएनएस दैट इज कॉल्ड गैंग्लियन, तो उसे क्या कहेंगे गैंग्लियन, तो वही हमने यहाँ पे देखे लिखे आए, ये गैंग्लियन है, ओके ना, पीएनएस में प्रेजेंट है गैंग्लियन। अब यही अगर सेल बॉडी पार्ट, ग्रुपिंग ऑफ द सेल बॉडी पार्ट आर प्रेजेंट इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, सीएनएस में प्रेजेंट है, तो उसे कहेंगे स्टूडेंट न्यूक्लियस, तो उसे क्या कहेंगे न्यूक्लियस। आई होप आर यू अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके, हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, आपको समझ में आ गया है। तो हम लोगों ने किस किस पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है, गैंग्लियन क्या होता है, नर्व क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, एंड ट्रैक्ट क्या होता है, चार चीजों को हम लोगों ने देखा। क्या क्या देखा, सबसे पहले नर्व को देखा, नर्व क्या होता है, एंड आपको अब ये क्लियर हो गया होगा ना, नर्व ऑलवेज प्रेजेंट इन पीएनएस, नॉट प्रेजेंट इन सीएनएस, इफ द ग्रुपिंग ऑफ द एब्जॉर्नल पार्ट आर प्रेजेंट इन सीएनएस दैट इज कॉल्ड ट्रैक्ट, नॉट ए कॉल ऑफ नर्व, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। अब देखिए जो नर्व है, नर्व क्या हो गया आपका, ग्रुपिंग ऑफ द एब्जॉर्नल पार्ट इन पीएनएस, इफ द ग्रुपिंग ऑफ द सेल बॉडी पार्ट इन पीएनएस दैट इज कॉल्ड गैंग्लियन, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, उसे हम लोग क्या कहेंगे गैंग्लियन कहेंगे। तो ये आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, आफ्टर देन हम आपको और पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, जो हम लोगों ने पॉइंट क्लियर किया उसको हम लोग लिख ले रहे हैं, ओके। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, नर्व, नर्व क्या होता है, इफ द ग्रुप ऑफ एक्जॉन्स आर प्रेजेंट
आर प्रेजेंट इन पीएनएस दैट इज कॉल्ड नर्व ओके स्टूडेंट, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नर्व कहेंगे। दूसरा हम लोगों ने क्या पॉइंट देखा स्टूडेंट? ट्रैक्ट इफ द ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स आर प्रेजेंट इन सीएनएस दैट इज कॉल्ड ट्रैक्ट। तो उसे क्या कहते हैं? ट्रैक्ट कहते हैं। अगर ग्रुप ऑफ द एक्सॉन्स प्रेजेंट है पीएनएस में तो उसे नर्व कहेंगे, अगर ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स प्रेजेंट है सीएनएस में तो उसे ट्रैक्ट कहेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हम लोगों ने क्या देखा? गैंग्लियॉन क्या होता है? इफ द ग्रुप ऑफ सेल बॉडी पार्ट ऑफ न्यूरॉन सेल प्रेजेंट इन पीएनएस दैट इज कॉल्ड गैंग्लियॉन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था? न्यूक्लियस। तो ये क्या हो जाएगा? इफ द ग्रुप ऑफ सेल बॉडी पार्ट ऑफ न्यूरॉन सेल प्रेजेंट इन CNS दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट, तो ये चारों पॉइंट हम लोगों ने अभी अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझा। ओके, अब देखिए, अब इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होने वाली है? इसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क में, इसीलिए ये पॉइंट आपको जानना बहुत ही जरूरी था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज द मीन ऑफ नर्व, व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रैक्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ गैंग्लियॉन, व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, आप लोग इसको पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट आप लोग रिमेम्बर करिए, आपको पहले की क्लासेस में क्या बताया गया था कि जो नर्व होती है, नर्व अगर आपके सीएनएस के ब्रेन वाले पार्ट से निकल रही है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रैनियल नर्व कहते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है तो उसे क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व कहते हैं। क्या हम लोगों ने देखा था? हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट, ये ब्रेन है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड आपकी प्रोटेक्टेड होती है वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्री क्या होती है? एक आपकी बोन्स की रिंग होती है, बोन्स की रिंग होगी जिसमें से आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? निकलता है। स्पाइनल कॉर्ड इसी में रहता है तो उसको बोन्स की रिंग जो है उसे कवरिंग करती है, तो उसी को हम लोग वर्टिब्री कॉलम बोलते हैं। तो अगर नर्व, अगर ये ग्रुप ऑफ एक्सोनल पार्ट आपका ब्रेन से निकल रहा है, ये ब्रेन से निकल रही है अगर ग्रुप ऑफ एक्सोनल पार्ट, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट क्रैनियल नर्व।
क्रेनियल नर्व कहेंगे। अगर यही आपका ग्रुप ऑफ एक्सोनल पार्ट दैट मीन्स नर्व, अगर यही आपका ग्रुप ऑफ एक्सोनल पार्ट वर्टिब्रल कॉलम से दैट मीन्स स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है तो इसे हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व। क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। तो ये तो आपने देखा कि नर्व का जो डिवीजन है वो उनके लोकेशन एंड पोजीशन के बेस पे है, दो पार्ट में किया गया। क्रेनियल नर्व दैट मीन्स ब्रेन रिलेटेड नर्व को हम लोग क्रेनियल नर्व कहते हैं, जो ब्रेन से नर्व निकलेंगे उसे हम लोग क्रेनियल नर्व कहेंगे, ओके। एंड जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व कहेंगे। ये तो पहले बेस का डिवीजन हो गया नर्व का। और दूसरा जो डिवीजन हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट नर्व का, वो क्या देखा था कि जो नर्व होती है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन नर्व हैव बीन डिवाइडेड इनटू मेनली टू पार्ट। फर्स्ट इज कॉल्ड सेंसरी नर्व एंड सेकेंड इज कॉल्ड मोटर नर्व। फर्स्ट इज कॉल्ड सेंसरी नर्व एंड सेकेंड इज कॉल्ड मोटर नर्व, ओके। ये ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन द नर्व हैव बीन डिवाइडेड इनटू मेनली टू पार्ट। फर्स्ट इज कॉल्ड सेंसरी नर्व एंड सेकेंड इज कॉल्ड मोटर नर्व। सेंसरी नर्व ऑलवेज हेल्प इन द ब्रिंग्स ऑफ द सेंस इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन एंड मोटर नर्व ऑलवेज हेल्प इन द कैरी आउट ऑफ द सेंस इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स सेंस इन्फॉर्मेशन से उसको जो भी मिलता है वो उस पर कमांड देता है, विल बी टेक ऑफ द ऑर्डर इन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन, ओके स्टूडेंट। तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ था। अब यहाँ पे आपको ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि ये आपका ब्रेन है, ये आपकी जो न्यूरॉन आ रही है, ये आपके न्यूरॉन किसी भी सेंस ऑर्गन से सेंस इन्फॉर्मेशन को लेके आएगी ब्रेन के अंदर, तो इसे हम लोग बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? सेंसरी न्यूरॉन। अब ये जरूरी नहीं कि सेंसरी न्यूरॉन आपका हमेशा इसी साइड में हो, सेंसरी न्यूरॉन आपके राइट हैंड साइड से भी आ सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी आ सकता है। सेंसरी न्यूरॉन सेंस इन्फॉर्मेशन आप किसी भी अपने सेंस ऑर्गन्स के किसी भी साइड से सेंसरी इन्फॉर्मेशन ले जा सकते हो ना ब्रेन तक, तो वही बात है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन सेंस करके इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ले गई, ब्रेन ने उसको एनालाइज किया। आफ्टर द एनालिसिस ब्रेन इट इज ए हेल्प इन द प्रोवाइडिंग ऑफ द ऑर्डर। अब ये क्या करेगा? ऑर्डर प्रोवाइड करेगा, विल टेक ऑफ द ऑर्डर। तो अब जो आपकी न्यूरॉन निकलेगी इसे हम लोग बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। ये कौन सी न्यूरॉन हो गई? मोटर न्यूरॉन, ओके। तो ये मोटर न्यूरॉन है स्टूडेंट। तो आपको इस पॉइंट पे पहले ही लिखवा दिया गया है कि सेंसरी न्यूरॉन ऑलवेज हेल्प इन द ब्रिंग्स ऑफ द सेंस इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन एंड मोटर न्यूरॉन ऑलवेज हेल्प इन द प्रोवाइडिंग ऑफ द ये टेक ऑफ द ऑर्डर्स प्रोवाइडिंग ऑफ द मोटर कमांड, ओके। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अब आज के क्लास में स्टूडेंट हम लोगों का स्पेशली ये जानना इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज द मीन ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है ना। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑफ दिस इंटायर पॉइंट्स। अगर अब भी आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आप उसको और भी इजीली तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बट अब हमें तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको न समझ में आए वो नर्व क्या होती है, इम्पल्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन सेल क्या होता है। आई होप ये सारा पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है ना। और जिसको नहीं भी क्लियर हो तो आप हमारे जो पहले के लेक्चर्स है उस वीडियो को एक बार दो बार तीन बार जरूर अच्छे से देख लेना, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ये रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है स्टूडेंट? रिफ्लेक्स आर्क, व्हाट इज द रिफ्लेक्स आर्क? द रिफ्लेक्स आर्क इज ए स्पेशल टाइप ऑफ नर्व इम्पल्स दैट ब्रिंग्स विथ ए सेंसरी न्यूरॉन विच ए प्रेजेंट इन PNS एंड रिस्पॉन्स इन विथ ए मोटर न्यूरॉन एट एन इफेक्टर, ओके स्टूडेंट। आपका जो रिफ्लेक्स आर्क होता है बेसिकली स्टूडेंट ये स्पेशल टाइप ऑफ नर्व इम्पल्स होती है। आपके जो रिफ्लेक्स आर्क है वो क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ नर्व इम्पल्स होती है। नर्व इम्पल्स क्या है? नर्व इम्पल्स इट इज ए सिंपल, व्हाट इज अ नर्व इम्पल्स? इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स इन केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स। जो आप में इन्फॉर्मेशन जो आप गेन कर रहे हो, सेंसरी इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी स्टिमुलस जो भी आप ऑब्टेन कर रहे हो,
तो वो क्या होता है, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड केमिकल सिग्नल में डिवाइड होकर पूरे बॉडी पार्ट में कैरी किया जाता है। तो इसे कोई बेसिकली हम लोग नर्व इम्पल्स कहते हैं। ओके, तो नर्व इम्पल्स होता है, रिफ्लेक्स आर्क एक स्पेशल टाइप का नर्व इम्पल्स होता है जो कि दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है, तीन प्रोसेस में कंप्लीट होगा। नर्व इम्पल्स कंप्लीटेड होता है मेनली तीन प्रोसेस में, उसमें तीन न्यूरॉन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहला जो न्यूरॉन होता है उसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन विच इज हेल्पिंग इन द टेक्स ऑफ द सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ब्रिंग्स ऑफ द सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन। एंड सेकेंड जो होता है वो होता है रिले न्यूरॉन ऑलवेज प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर ऑफ द सीएनएस पार्ट। रिले न्यूरॉन हमेशा प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर में, सीएनएस के ग्रे मैटर पार्ट में प्रेजेंट होता है रिले न्यूरॉन में। वहां पे जाएगा, वहां पे एनालिसिस होता है, एनालाइज होने के बाद डायरेक्टली वो आपके मोटर नर्व को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। मोटर नर्व्स विल बी टेक कमांड एंड विल बी देन शो ऑफ द इफेक्टर, तो हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्पल्स होता है बींग्स विद सेंसरी न्यूरॉन, जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू बींग्स होता है, विच इज प्रेजेंट इन पीएनएस, जो कि पीएनएस में प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर्स पीएनएस के रिसेप्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड विथ ए मोटर न्यूरोन एट एन इफेक्टर, जो कि बाद में हमको इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट, आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आफ्टर देन हम इसको अच्छे से आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं। So, listen to every student carefully. Firstly, I want to telling about the what is the mean of grey matter and what is the mean of white matter. Okay? हमने क्या बताया कि grey matter में ही पाया जाता है relay neuron. आपका जो reflex arc है student, ये mainly तीन neuron इसको complete करते हैं, mainly तीन types के neurons complete करते हैं of the process of reflex arc. ओके, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, एक स्पेशल टाइप्स का एक आपका न्यूरल कंट्रोल ही होता है, स्पेशल टाइप का न्यूरल कंट्रोल ही होता है, नर्व इम्पल्स ही होता है, जो कि सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन मिलकर इसको पूरा करते हैं। कौन कौन सा न्यूरॉन स्टूडेंट आपका सॉरी ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो आपका रिफ्लेक्स आर्क है, रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स आर्क को मेनली तीन न्यूरॉन मिलकर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे जैसा कि हमने लिखा हुआ है, सबसे पहले जो है वो सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा जो है वो है रिले न्यूरॉन एंड तीसरा वो है मोटर न्यूरॉन। ओके स्टूडेंट, तो आपका रिफ्लेक्स आर्क मेले तीन न्यूरॉन मिलकर कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला जो न्यूरॉन है वो है स्टूडेंट सेंसरी न्यूरॉन, एंड सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, अब तो आई थिंक सारे बच्चों को क्लियर होगा, इट इज ऑलवेज हेल्प इन द ब्रिंग्स ऑफ द सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन। इसको देखो हमने यहाँ पे फिर से लिख दिया, ब्रिंग्स सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू सीएनएस, सीएनएस में क्या आपका ब्रेन सीएनएस में तो आएगा ना, सीएनएस that means send electrical impulse to relay neuron which is located in spinal cord. देखो sensory neuron का इसमें most important role क्या है student, सारे लोग अच्छे से समझेंगे, brings sensory information to CNS. sensory neuron जो कि reflex arc के process में आपका help करता है, इसका most important role ये होता है student कि ये sensory information को CNS तक ले जाएगा, और CNS जिसमें electrical impulse के through ले जाते हैं, that means और रिले न्यूरॉन प्रेजेंट होता है आपके सीएनएस पार्ट में, क्या प्रेजेंट होता है रिले न्यूरॉन विच इज लोकेटेड इन स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। कैसे, चलिए देखते हैं फिगर के थ्रू। ओके, सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है, ब्रिंग्स ऑफ द सेंसरी इन्फॉर्मेशन, रिले न्यूरॉन आपका कहाँ प्रेजेंट है सीएनएस के पार्ट में प्रेजेंट होता है, एंड मोटर न्यूरॉन का क्या काम है, टेक विल बी कमांड। ओके चलिए, ये आपका क्या है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है, सीएनएस का पार्ट है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का अगर हम लोग ऐसे कट करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम लोगों ने ऐसे कट कर दिया, तो अब हम लोगों को पता है क्या देखने को मिलेगा, इंटरनल इनका स्ट्रक्चर क्या होता है।
आपको पता है स्टूडेंट, जैसे कि हमने अभी बताया दो चीज इम्पोर्टेंट है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर होता क्या है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं GRAY, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर ये होता क्या है। ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर क्या होता है, हमेशा याद रखना, रिले न्यूरॉन ऑलवेज प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर ऑफ द सीएनएस पार्ट के ग्रे मैटर पार्ट में हमेशा पाया जाता है रिले न्यूरॉन, और कहीं नहीं पाया जाएगा। सीएनएस आपका ब्रेन भी हो सकता है, सीएनएस आपका स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है। तो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के ग्रे मैटर में पाया जाता है रिले न्यूरॉन। ओके, रिले न्यूरॉन पाया जाता है किसमें, ग्रे मैटर ऑफ द सीएनएस पार्ट। अब ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या होता है देखेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम लोगों ने कट किया तो ये हम लोगों को ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिला। ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जब हम लोग अपने स्पाइनल कॉर्ड को अगर कट करके देखें स्पाइनल कॉर्ड को, तो हम लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर उसका देखने को मिलेगा अंदर से ना। अब जैसे कि ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इसको हमने कट कर दिया, तो अब इसके अंदर क्या है तो हम लोगों को देखने को मिलेगा ना। तो जब हम लोगों ने अंदर देखा तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो उभरा हुआ पार्ट ऐसे जो दिख रहा है, ऐसे ये जो दिख रहा पार्ट, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट ग्रे मैटर। इसी को बोलते हैं ग्रे मैटर, GRAY MATTER, ग्रे मैटर। एंड बाकी जो सारा पार्ट है इसे बोलते हैं व्हाइट मैटर। इसे क्या बोलेंगे, व्हाइट मैटर। देखो अब ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर बनता किसका है, आपको पता है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड जो कि सीएनएस का पार्ट है बना हुआ है पूरा न्यूरॉन सेल का, ये पता है ना सारे बच्चों को। और ये भी पता है कि न्यूरॉन सेल का बेसिक मेनली दो पार्ट होगा, सेल बॉडी पार्ट एंड एक्सोनल पार्ट होगा, ये भी सबको पता है। ये जो आपका ग्रे मैटर है स्टूडेंट, यहाँ पे आपके न्यूरॉन सेल का सेल बॉडी पार्ट पड़ा हुआ है, सेल बॉडी पार्ट। दैट मीन्स यहाँ पे ऐसे सेल बॉडी पार्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे इनका एक्सोन्स पड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ पे इनका सेल बॉडी पार्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, एक्सोन्स पड़ा हुआ है। ओके, तो ये आपका जो होता है स्टूडेंट, यही होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रे इन कलर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ये आप देख रहे हो बेसिकली स्ट्रक्चर। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है स्टूडेंट, एग्जैक्ट यही होता है कि जो ग्रे मैटर है यहाँ पे आपके न्यूरॉन सेल का सेल बॉडी पार्ट पड़ा होता है, जिसे हम लोग ग्रे मैटर कहते हैं। एंड व्हाइट मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर वो होता है जहां पे एक्सोनल पार्ट पड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट मैटर। अब आप लोग याद कैसे करोगे, आपको पता है कि जो एक्सोन होता है न्यूरॉन सेल का वहां पे साइटोप्लाज्म भरा होता है, बट वो व्हाइट इन कलर होता है क्योंकि वो कलरलेस होता है। लेकिन आपका जो सेल बॉडी पार्ट है उसमें कई सारे कंपोनेंट पड़े होते हैं, जैसे कि आपको बताया गया था गिल्सन कैप्सूल पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है, उनके अपने खुद के साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, तो वो ग्रे कलर के होते, ग्रे इन कलर हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको ग्रे मैटर बोलते हैं एंड इसको व्हाइट मैटर बोला जाता है। व्हाइट मैटर क्यों बोलते हैं इसको स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे एक्सोनल पार्ट पड़ा होता है, ठीक है ना। तो एक्सोनल पार्ट की ग्रुपिंग को हम लोग बोलते हैं व्हाइट मैटर, एंड ग्रे पार्ट की जो सेल बॉडी पार्ट की ग्रुपिंग है उसे बोलते हैं क्या, ग्रे मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए थोड़ा सा, आप लोगों को क्लियर दिख रहा कि नहीं। ओके, दिख रहा है, चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम, पहले ग्रे मैटर लिख रहे हैं, GRAY MATTER। ग्रे मैटर क्या है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी पार्ट्स, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट इन इनसाइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड।
स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी पार्ट प्रेजेंट इन इनसाइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दैट इज कॉल्ड ग्रे मैटर। ग्रे मैटर, चलो लिख लिए पूरा क्लियर। दैट इज कॉल्ड ग्रे मैटर, ठीक है। तो ये ग्रे मैटर, ग्रे मैटर आई थिंक पूरा आपको क्लियर होगा। ग्रे मैटर क्या है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है जब आप उसको कट करके देखोगे तो अंदर से आपको ये देखने को ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर में पाया जाता है आपका ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन सेल्स का केवल सेल बॉडी पार्ट ही पड़े होते हैं। न्यूरॉन सेल का केवल सेल बॉडी पार्ट ही पड़े होंगे, यहाँ पे एग्जॉनल पार्ट नहीं पड़े होते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पे एग्जॉनल पार्ट पड़े होते हैं वो व्हाइट इन कलर इसलिए होता है क्योंकि जो एग्जॉन होता है वो कलरलेस होता है, वो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ही होता है ऑब्वियसली। उसमें कोई भी किसी प्रकार का उसमें कलर चीज नहीं पाई जाती, इसलिए वो व्हाइट इन कलर होता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, व्हाइट मैटर कहते हैं। तो ये तो ग्रे मैटर हो गया, चलो व्हाइट मैटर कहाँ पे लिखें, आप लोगों को दिख रहा क्लियर या नहीं। ओके, व्हाइट मैटर यहाँ पे लिख रहे हैं हम, व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन सेल प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट इन इनसाइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, बात वही है। प्रेजेंट इन, चलिए इनसाइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पूरा लिख लेते हैं। प्रेजेंट इन इनसाइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड दैट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। दैट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑफ दिस पॉइंट, व्हाट इज द व्हाइट मैटर, व्हाट इज द ग्रे मैटर। ओके, अब आपको देखो इस पॉइंट को हमने इसलिए बताया क्योंकि हमने क्या आपको बोला कि रिफ्लेक्स आर्क मेनली तीन न्यूरॉन सेल्स मिलकर कंप्लीट करती है। सबसे पहला तो सेंसरी न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होगी, ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा हमने आपको बोला रिले न्यूरॉन ऑलवेज प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर ऑफ द CNS। यही बोला ना कि रिले न्यूरॉन हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगी, ग्रे मैटर पार्ट में, CNS के ग्रे मैटर पार्ट में। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड किस में आता है, CNS में आता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ग्रे मैटर में क्या प्रेजेंट होता है, ग्रे मैटर में ही प्रेजेंट होते हैं रिले न्यूरॉन। ओके, एंड थर्ड आपको क्या बताया हमने, थर्ड आपको वो पता है मोटर न्यूरॉन भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होगा, सेंसरी न्यूरॉन में ही प्रेजेंट होंगे आपके मोटर न्यूरॉन भी। क्यों, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन से ही आपका मोटर न्यूरॉन क्या करता है, विल बी टेक द कमांड को देगा। ठीक, तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो।